एक लड़की अपने रूममेट से अब्सेस्ड हो जाती है। उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसके रास्ते में जो भी आए उसे वो हटा देती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड द रूममेट्स 2011 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर सारा को देखते हैं, जो एजुकेशन के लिए एक न्यू यूनिवर्सिटी में आई हुई है। वहां पर अपने हॉस्टल में सारी चीजों को सेट कर दिया। वहीं पर उसे एक और एक लड़की मिली जो उसकी फ्रेंड बन गई। इस लड़की का नाम था ट्रेसी। सारा के रूम में और एक रूममेट रहने वाली है, पर अब तक वो वहां पर पहुंची नहीं थी। रात में ट्रेसी और उसके फ्रेंड पार्टी करने वाले थे तो उन्होंने सारा को भी इन्वाइट कर लिया। सारा को ड्रंक नहीं होना था तो सिर्फ उसने पंच पिया, पर फिर भी वो ड्रंक हो गई थी। पार्टी में अचानक से वो स्टीफन से टकरा जाती है। उसका ड्रिंक उसके स्कर्ट पर गिर गया था। इसे निकालने के लिए स्टीफन ने उसे हेल्प किए। स्टीफन इसी पार्टी में ड्रमर था। वो कहता है, मैं जानबूझकर तुमसे टकराया था, मुझे लगा था कि हम दोनों बात कर पाए, पर सारा ज्यादा उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी फ्रेंड ट्रेसी ने बहुत ही ज्यादा पी ली थी, वो कुछ भी करने वाली थी। इससे पहले सारा और स्टीफन उसे अपने हॉस्टल में छोड़ देते हैं। आते आते सारा और स्टीफन ने बातें की, एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। जाते वक्त सारा स्टीफन को किस कर जाती है। वो जब अपने रूम में आई तो उसकी रूममेट आ चुकी थी। उसके रूममेट का नाम है रेबेका। रेबेका हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। अगली सुबह सारा डायरेक्टली 3 बजे उठती है। रेबेका और उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली अभी हुआ। रेबेका सारा पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर आओगी। सारा भी इसके लिए मान गई। जब वे बुक्स खरीद रहे थे तो सारा को अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जेसन, इसका कॉल आता है। इनका ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो चुके हैं, पर फिर भी जेसन सारा का पीछा नहीं छोड़ता। रेबेका ने सारा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। सारा कहती है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में जाने वाले थे। मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई और जेसन को नहीं मिली। मैंने मेरा अच्छे कॉलेज का सीट छोड़ दिया था। वो डायरेक्टली जेसन को मिल गया और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। फिर से रूम पर आने के बाद सारा रेबेका का कबर्ड देखती है, जिसमें बहुत सारे कपड़े थे। वो बहुत ही अमीर थी। रेबेका इस पर कहती है, मेरे फादर मुझे बहुत पैसे देते हैं, पर उनका फैमिली लाइफ नहीं है। रेबेका हमेशा कंजर्व रहती थी। उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। इस कॉलेज में सारा सिर्फ उसकी एक ही फ्रेंड बनी थी। नेक्स्ट दिन में हम सारा को प्रोफेसर रॉबर्ट के पास आया हुआ देखते हैं। सारा ने जरा लेट एडमिशन लिया था तो इस वजह से क्लास उसे नहीं मिलने वाला था, पर फिर भी वो प्रोफेसर से बात करती है। प्रोफेसर ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट को मेरा क्लास करना है, तुम में ऐसा अलग क्या है। वो इसके लिए उसे मना कर रहे थे, पर सारा ने उन्हें बहुत कन्विंस किया। प्रोफेसर फिर उसे कहते हैं कि तुम में पैशन और स्टाइल दोनों है, तो इस वजह से उसे क्लास में वो ले लेते हैं। आज रात फिर से ट्रेसी एक पार्टी में जाने वाली थी तो सारा और रेबेका दोनों से पूछती है। रेबेका को ज्यादा पार्टी करना अच्छा नहीं लगता था तो इस वजह से उन्हें वो मना कर देती है। पार्टी में ट्रेसी को कोई और मिला, उसके साथ वो घर चली गई। सारा बेचारी अकेली ही थी। अब इस टाउन में उसे कुछ भी पता नहीं था तो उसने रेबेका को कॉल किया। रात में फिर ये दोनों एक कैफे में आते हैं। रेबेका ने कहा कि कल मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हें पूरी सिटी घुमा सकती हूँ और मैं उस ट्रेसी की तरह तुम्हें ऐसे छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। सारा को भी ये बात अच्छी लगती है। रेबेका सारा को आर्ट दिखाने के लिए लेकर गई। वहां की पेंटिंग के बारे में उसके व्यूज बहुत ही अलग ही थे। घूमते घूमते रेबेका ने सारा का नेकलेस नोटिस किया। सारा कहती कि मेरी सिस्टर का है, उसकी सिस्टर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वो और उसकी सिस्टर बहुत ही क्लोज थे तो उसी के नाम का टैटू भी उसने बनवाया हुआ है। रेबेका और सारा में डील हुई थी कि एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं, पर सारा ने कहा कि नेकलेस तुम नहीं ले सकती। एक दिन जब सारा रनिंग के लिए गई हुई थी तो रेबेका सारा की सिस्टर का फोटो देखती है। उसने उसका नेकलेस भी पहन लिया था। हॉस्टल वापस आते हुए सारा को एक छोटी सी कैट मिली। उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था तो अपने साथ उसे लेकर आती है। इस तरीके से कैट को हॉस्टल में लाना अलाउड नहीं है, पर फिर भी सारा रिस्क ले ही लेती है। रेबेका को भी ये कैट बहुत अच्छी लगी। सारा ने नोटिस किया कि रेबेका ने उसका नेकलेस पहना हुआ है। सारा उसे कहती है, कभी वे नेकलेस फिर से पहनना मत। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि सारा जब कैंटीन में काम कर रही थी तो स्टीफन उसके पास आया। कहता है, आज रात क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगी। स्टीफन करिश्मेटिक था, अच्छी तरीके से फ्लर्ट करता था, तो सारा ने इसके लिए हाँ कह दिया। सारा जब रूम पर आई तो रेबेका उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। कहती है कि मैंने तुम्हारे फेवरेट कंसर्ट के 2 टिकट लाए हुए हैं, ये कंसर्ट आज रात ही था। सारा ने पहले तो उसे मना किया, पर रेबेका अपसेट हो गई तो इस वजह से उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। स्टीफन और उसकी डेट उसने जरा पोस्टपोन कर दी। आज रात सारा अपने कपड़े रेबेका को देती है। उसने उसे इयररिंग्स भी दिए। रेबेका की इयर्स में इयररिंग के लिए होल नहीं था तो डायरेक्टली इयररिंग्स ही उसमें डाल देती है। उसका खून भी बहने लग गया था।
ये इयररिंग सारा ने दी है तो पहननी तो पड़ेगी, इस तरीके से उससे अब्सेस्ड हो गई थी। हमेशा ट्रेसी सारा को कहीं ना कहीं बाहर लेकर जाती है, ये बात भी रेबेका को अच्छी नहीं लगती। एक रात ट्रेसी के रूम के बाहर ही वो बैठी हुई थी, जब ट्रेसी बाहर आई तो बहुत ही गुस्से से उसे देखती है। इस बात से ट्रेसी डर गई और अगले दिन सारा से इसके बारे में बात करती है। सारा ने जब रेबेका से इस बारे में पूछा तो रेबेका ने कहा कि रात में मैं ऐसे ही घूम रही थी, उल्टा ट्रेसी ने मुझे घबरा दिया था। एक दिन सारा अपनी फ्रेंड आयरीन से मिलती है। आयरीन उससे बड़ी थी और सारा को फैशन में जिस तरीके से करियर बनाना है, आयरीन ने ऑलरेडी उसी तरीके से करियर बनाया हुआ है। उससे मिलने के बाद वो हमेशा इंस्पायर होती है। ट्रेसी ने सारा को रेबेका के बारे में बताया था तो रेबेका उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। रात में जब ट्रेसी शॉवर ले रही थी तो रेबेका उसके पीछे पीछे आ जाती है, उस पर हमला कर उसकी बेली रिंग उसने निकाल ली। ट्रेसी को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रेबेका उससे कहती है, तुम सारा के लिए अच्छी नहीं हो, उसे जरा दूर रहना, और इस सब के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ट्रेसी इस बात से बहुत ज्यादा डर गई। आयरीन से मिलने के बाद सारा स्टीफन से मिली थी। आज शाम इन्होंने साथ बिताए, रात में बहुत ही लेट घर पर आए। रेबेका सारा पर गुस्सा होकर उसे कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हारा कॉल भी लग नहीं रहा था। रेबेका का इस तरीके से सारा से बात करना स्टीफन को सही नहीं लगता। सारा उससे कहती है कि वो सिर्फ जरा वरीड थी। अगले दिन जब वे फिर से रेबेका को लेकर बात कर रहे थे तो स्टीफन कहता है, शायद वो तुम्हें लाइक करती है, शायद उसे लड़कियां पसंद है, तो इसी वजह से तुम्हें लेकर वो जरा प्रोटेक्टिव है। अब हम मूवी में देखते हैं कि ट्रेसी ने अपना रूम ही बदल लिया था। सारा से वो बहुत ही दूर रहती थी, अगर सारा ने भी उसे बात करने की कोशिश की तो ट्रेसी वहां से चली जाती। एक रात सारा और स्टीफन एक प्रॉपर डेट पर गए। ये एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते थे तो आज रात एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो गए। सारा रात में घर पर नहीं आई तो रेबेका उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका मोबाइल घर पर ही था और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन का कॉल आता है। रेबेका एक कॉल उठा लेती है और सारा होने का प्रिटेंड करती है। रेबेका ने जेसन से फोन पर ही इंटीमेट बातें की। अगले दिन जब सारा घर पर आए तो हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी कैट को देख लिया था। अब वो एक कैट यहाँ पर नहीं रख सकती, अब कैट का इन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। सारा फिर कैट को लेकर आयरीन के पास आए, वो उसे इस कैट को रखने के लिए कहती है, पर आयरीन ने कहा, मैं हमेशा अलग अलग कंट्रीज घूमती रहती हूँ तो इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आयरीन के पास एक बेटर आइडिया था, उसने कहा, तुम मेरे साथ इस घर में रह सकते हो, वैसे भी मैं ज्यादा घर पर नहीं रहती, यहाँ पर तुम इस कैट का ख्याल भी रख पाओगी। सारा को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा था। जब इस सब के बारे में वो रेबेका को बताती है तो इससे वो अपसेट हो गई थी। वो किसी भी हालत में सारा को रोकना चाहती थी। एक दिन जब सारा रूम में नहीं थी तो उसकी कैट को लॉन्ड्री में लेकर जाती है, वही पर उसका मर्डर उसने कर दिया। सारा जब फिर से वापस आई तो रेबेका रोने का नाटक करती है, कहती कि मैं बाहर गई थी और कैट कहीं गुम हो गई है। सारा ने कैट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, वो अपसेट हो गई थी, पर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो इसके लिए रेबेका को उसने माफ कर दिया। अब इनका थैंक्सगिविंग आ चुका था। सारा के पेरेंट्स चाहते थे कि वो घर पर आए, पर सारा घर पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि थैंक्सगिविंग के वक्त ही उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी। रेबेका ने कहा कि तुम मेरी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग स्पेंड कर सकती हो। सारा को ऑलरेडी स्टीफन ने भी पूछ लिया था, वो उसी के साथ जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा को उसके प्रोफेसर ने अपने ऑफिस में बुलाया। वो कहते कि मैं फैशन वीक के लिए पेरिस जाने वाला हूँ, इस सब का खर्चा कॉलेज करेगा और मेरे साथ मैं मेरे असिस्टेंट को लेकर जा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सारा इसके लिए एक्साइटेड होके तभी प्रोफेसर उसे किस कर लेता है। वो डिस्टर्ब होकर यहाँ से चली जाती है। जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसने रेबेका को बताया। रेबेका को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सारा को कंप्लेन करने के लिए कहती है, पर सारा ज्यादा ट्रबल नहीं चाहती थी। रात में फिर रेबेका प्रोफेसर के पास गई, उन्हें कहती है, मुझे मेरा टर्म चेंज करना है, मुझे आपकी क्लास लेनी है। प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। रेबेका ने कहा कि आपसे पढ़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने यहाँ पर प्रोफेसर को रिझाने की कोशिश की, प्रोफेसर भी उसके जाल में आ गए। प्रोफेसर उसके साथ इंटीमेट होने वाले थे तभी वो चिल्लाने लग गए। इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी ये रेबेका ने सारी रिकॉर्ड कर ली थी। प्रोफेसर बहुत डर गया, कहता है, इस टेप के लिए मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। रेबेका ने कहा, तुम्हें अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रेबेका ने टेप डायरेक्टली कॉलेज की डीन को दे दी, इस वजह से प्रोफेसर का जॉब चला जाता है। सारा ने तो डिसाइड किया था कि थैंक्सगिविंग के लिए वो स्टीफन के साथ ही जाएगी, अब रेबेका को उसे रोकना था। रेबेका चाहती थी कि सारा उसके साथ आए, तो इस वजह से अपने आप को कट कर लेती है। सारा ने जब ये चोट देखी तो रेबेका उसे कहती है कि मैं स्ट्रीट से जा रही थी और एक आदमी ने मुझे लूट लिया,
मैंने उसे रोकने की कोशिश की, इस वजह से उसने चाकू से मुझ पर वार किया था। सारा को रेबेका के लिए बुरा लगता है। वो डिसाइड करती है कि रेबेका के साथ ही वो थैंक्सगिविंग स्पेंड करेगी। रेबेका का हाउस बहुत ही बड़ा था। सारा उसके साथ आ रही है, इसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया हुआ नहीं था। डिनर पर रेबेका के पेरेंट्स सारा से कहते हैं कि रेबेका ने कभी भी अपने फ्रेंड को घर पर नहीं लाया था। वो सारा के लिए अलग सा रूम देने वाले थे, पर रेबेका इसके लिए मना कर देती है। सारा ने रेबेका का रूम देखा तो एक लड़की की पेंटिंग बनी हुई थी। जब वे टाउन के कैफे में जाते हैं तो सारा ने उसी लड़की को नोटिस किया। जाते जाते वो लड़की रेबेका से मिली। उसे कहती है कि हम दोनों कभी भी फ्रेंड्स नहीं थे। हाईस्कूल में रेबेका उस लड़की से भी अफसेस थी। उसके साथ भी उसने कुछ गलत किया था। सारा को अकेला देख कर रेबेका की मदर उससे बात करती है। कहती है क्या रेबेका उसकी मेडिसिन ले रही है। सारा को इन मेडिसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब ये दोनों फिर से अपने कॉलेज में आए तो सारा रेबेका का सारा सामान चेक करती है। इसमें उसे उसकी पिल्स मिल गए जो रेबेका ने ली ही नहीं थी। इसके बारे में सारा ने स्टीफन को बताया। दोनों मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चला कि बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिसिन है, एक साइकोटिक कंडीशन थी। स्टीफन कहता है कि मुझे लगा ही था कि रेबेका के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सारा जाकर आइरिन के साथ रहने वाली थी तो एक दिन रेबेका जाकर आइरिन जिस क्लब में जाती है वहां जाकर उससे वो मिली। आइरिन को रेबेका के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रेबेका ने उसे रिझाने की कोशिश की, उसके साथ उसके घर चली जाती है। सुबह जब वो रूम पर आई तो सारा से कहती है कि मुझे एक टैटू करवाना है। सारा उसके साथ गई। रेबेका ने जो टैटू बनवाया था ये सारा के सिस्टर का नाम था। रेबेका कहती है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर मान सकती हो। ये बात सारा को बहुत ही गलत लगी। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। रेबेका के बारे में उसे जो भी पता चला था अब इसके बाद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अपना सारा सामान लेकर स्टीफन के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। वो जाती तो आइरिन के यहाँ, पर आइरिन का कॉल नहीं लग रहा। अपने सामान में स्टीफन को अपनी सिस्टर का नेकलेस मिल नहीं पाता। सारा डर गई थी तो अपना सारा सामान लेने के लिए उसने स्टीफन को ही भेजा था। स्टीफन रेबेका से कहता है कि मुझे पता है कि वो नेकलेस तुम्हारे पास है, वो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा को ढूंढते ढूंढते उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके कॉलेज पर आ गया था। रेबेका डोर नहीं खोलती तो जेसन कहाँ पर रहता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन डोर के नीचे से डालकर वहां से चला जाता है। रात में रेबेका जेसन के रूम में आ गई और वहीं पर उसका मर्डर कर डालती है। सारा को कोई ट्रबल दे उसे अच्छा नहीं लगता था। रात में अचानक से सारा को आयरिन का मैसेज आया। इसमें लिखा था कि वो ट्रबल में है, उसे अपने रूम पर वो बुला रही थी। इस मैसेज के बारे में सारा ने स्टीफन को कॉल कर बताया और वो डायरेक्टली आयरिन के पास पहुंच गए। वहां पर उसने देखा कि रेबेका ने आयरिन को उसके बेड से बंधा हुआ था। रेबेका के हाथ में गन थी। उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया पर तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। मैंने उस प्रोफेसर से बदला लिया, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को मार डाला, तुम कभी भी मेरी बनोगी नहीं। सारा रेबेका को मैनिपुलेट करने के लिए सब कुछ चीजें उसे हाँ कहती है। रेबेका फिर भी उसे मारने वाली थी तो सारा और उसके बीच में फाइट हो गई। इस फाइट में सारा विंडो से नीचे गिरने वाली थी तभी स्टीफन वहां पर पहुंच गया। वो रेबेका को मारकर बेहोश कर देता है। वो सारा को बचाने लग गया तभी रेबेका ने जोर से स्टीफन पर हमला कर दिया। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऊपर आकर सारा ने अब रेबेका की गन ले ली थी। वो उसे शूट करने का ट्राई करती है पर गन में कोई भी गोली नहीं थी। रेबेका ने देखकर कहा कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। वो अब उसे सीरियसली मार डालने वाली थी। रेबेका सारा का गला घोटने लग जाती है। अचानक से सारा ने सारा स्ट्रगल छोड़ दिया। रेबेका जैसे ही उसका गला छोड़ दिया तो सारा ने एक नाइफ लेकर रेबेका के पेट में डाल दी। सारा ने उससे कहा कि तुम कभी भी मेरी फ्रेंड थी ही नहीं। रेबेका की वहीं पर डेथ हो जाती है। सारा की सिस्टर का नेकलेस अब भी उसने पहना हुआ था तो रेबेका ने उसे छीन लिया। इस इंसिडेंट के बाद स्टीफन को भी ज्यादा लगा नहीं था तो वो भी ठीक हो जाता है। रेबेका फिर से अपने ओल्ड रूम में शिफ्ट कर देती है। जो हुआ उसे भुलाकर स्टीफन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी थी और यही पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।